नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कनास फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आए हैं बक्सी गोट फार्म पे। दोस्तों मुझे इस गोट फार्म को विज़िट करने का इनविटेशन आया है और पहले भी इस गोट फार्म पे मैं विज़िट करना चाहता था, परंतु कुछ कारणवश से मैं यहाँ आ नहीं पाया। दोस्तों ये गोट फार्म मोहम्मद सफदर खान साहब का है और खान साहब सरकारी बीमा कंपनी से रिटायर अधिकारी है। दोस्तों अगर आप इस गोट फार्म में आना चाहते हो, यहाँ पे विज़िट करना चाहते हो, तो ये गोट फार्म इंदौर शहर से 35 किलोमीटर दूर धार रोड पे स्थित है। और दोस्तों आप जैसे ही इस फार्म में विज़िट करोगे तो आपको चारों तरफ हरियाली नज़र आएगी और फूल नज़र आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी गार्डन में आ गए हैं। दोस्तों आप इस फार्म में अगर विज़िट करना चाहते हो तो आप गूगल मैप की सहायता से भी इस फार्म पर आ सकते हो। दोस्तों मैं इस फार्म पे जब विज़िट करा तो मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई है कि इन्होंने चारों तरफ ग्रीन फोल्डर ज़्यादा लगाए हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए हैं, पौधे ज़्यादा लगाए हैं, और वो सारे पौधे जो बकरियाँ को पसंद है वो सारे पौधे इन्होंने अपने फार्म में लगाए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आएगा और फार्म भी काफ़ी पसंद आएगा। दोस्तों आप जैसे ही फार्म में विज़िट करोगे आपको पहला एक सेक्शन मिलेगा। इस सेक्शन में ज़्यादातर सिरोही नस्ल की बकरियां मिलेगी आपको और सभी बकरियों की हाइट हेल्थ काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस सेक्शन में जितनी भी बकरियां हैं वो सारी बकरियां प्रेग्नेंट बकरी है। जैसे आप ये बकरी देख रहे हो, ये बकरी 80 किलो की है और ज़्यादातर बकरियाँ इनके पास 80-90 किलो की और एवरेज 40-50 किलो तक की बकरियाँ इनके पास है। ये वाली ना, दूसरा जो सेक्शन है उसमें आपको ज़्यादातर बच्चे मिलेंगे और ये सभी बच्चे 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के हैं। और ये जो बच्चे जो आप देखोगे सारे बच्चे काफ़ी हेल्दी है। अगर कोई भाई बकरी पालन करना चाहता है और बच्चे खरीदना चाहता है तो यहाँ से आप बच्चे खरीद सकते हो। जैसे ही आप फार्म में विजिट करोगे आपको सेंटर में एक कमरा दिखेगा, ये एक कमरा है। इस कमरे में इनके यहाँ जो काम करने वाला लड़का है वो रहता है। तो इस कमरे की खासियत यह है कि इन्होंने दोनों दीवार के दोनों तरफ एक एक खिड़की लगा रखी है और इस खिड़की की सहायता से ये फार्म में जो भी बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो वो आसानी से यहाँ से वॉच करते हैं। और यहाँ भी एक दीवार पे खिड़की बना रखी है तो वहाँ से भी ये बकरों को देख सकते हैं। जैसे फार्म में आप विज़िट करोगे आपको एक सेक्शन और मिलेगा, ये इस फार्म का तीसरा सेक्शन है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, इसमें आपको जितने भी बकरे दिखेंगे
वो सभी बकरे 1 साल से ऊपर वाले बकरे हैं। और जैसे आप ये पहले यहाँ पे देख रहे हो, ये भेड़ है। और जैसे ये बकरे देख रहे हो, ये सभी बकरे ईद के लिए तैयार हुए बकरे हैं और सभी बकरे सेल के लिए उपलब्ध है। अगर आप ईद के लिए बकरे ढूंढ रहे हो तो आप इस फार्म पे आप संपर्क करें। और यहाँ पे आपको मालवा ब्रीड, सोजत, सिरोही सभी ब्रीड के बकरे मिलेंगे। और यहाँ पे एक तरफ इन्होंने जो सेक्शन बना रखा है, यहाँ पे सारी बकरियाँ है और ये सभी बकरे हैं। और इन सभी बकरियों की उम्र 1 साल से ऊपर की है। जैसे फार्म में आप और देखोगे, इन्होंने छोटे छोटे सेक्शन और बना रखे हैं और इनमें भी कुछ ब्रीडिंग वाले बकरे रख रखे हैं। जैसे आप सामने देखोगे, यहाँ पे एक तोतापरी नस्ल का बकरा मिलेगा आपको। और फार्म के पीछे वाले एरिया में भी इन्होंने कुछ पेड़ वगैरह लगा रखे हैं। ये जैसे आप देखते हो, यहाँ पे इन्होंने गुलर का पेड़ और सू बबूल के पेड़ लगा रखे हैं। ये एक चौथा सेक्शन बना रखा है। और इस सेक्शन में आप जितने भी बकरे देखोगे, वो सभी बकरे 3 साल से ज़्यादा उम्र वाले हैं। तो जैसे कि आप ये बकरे देख रहे हो, सभी बकरे काफ़ी खूबसूरत है। और इन बकरों की खासियत ये है कि ये सभी बकरे अलग अलग ब्रीड से तैयार हुए हैं। जैसे कि कोई बकरे सिरोही बकरी है और सोजत नस्ल का बकरा है। तो आप जैसे देखोगे कि इंदौर जैसे एरियो में ऐसे बकरे काफ़ी पसंद करे जाते हैं। तो अगर आप नया बकरी फार्म खोलना चाहते हो और अपने फार्म के लिए अगर बकरे ढूंढ रहे हो, वो भी 3 महीने से ऊपर वाली एज के, तो आप इस फार्म पर संपर्क करें। इस फार्म में जितने भी बकरे हैं वो काफ़ी हेल्दी है। आप जैसे देख रहे हो, ये सभी बकरे 3 महीने से ऊपर एज के हैं और इनका वेट लगभग 30 से 35 किलो है। और ये जैसे आप देख रहे हो, ये इनकी फीडिंग ट्रे है। और इन्होंने मुझे ये बताया कि इन्होंने फीडिंग ट्रे मैनुअल बना रखी है, इसको आप आसानी से निकाल सकते हो। और यहाँ की खासियत इन्होंने ये बताई है कि जितना ज़्यादा साफ सफाई आप फीडिंग ट्रे को रखोगे, आपका बच्चा उतना हेल्दी बनेगा। जैसे ही आप फार्म में आगे और विजिट करोगे, आपको हरियाली नज़र आएगी। और आप जैसे देख रहे हो, ये जो घास है ये CO3 CO4 है। और इस घास की खासियत ये है कि एक बार लगाने पे ये 5 साल तक चलती है। बस इसकी ये शर्त है कि आप इसको टाइम पे काट के बकरों को खिलाएं या जो भी पशु आप पाल रहे हो उनको खिलाएं। और इस फार्म में आपको चारों तरफ पेड़ नज़र आएंगे और इन पेड़ों में ज़्यादातर सू बबूल और गुलर के पेड़ मिलेंगे। और पेड़ तो इन्होंने ऐसे लगा रखा है जैसे कि खेती पेड़ों की कर रखी है। सभी जितने भी पेड़ है वो लाइन बंद लगा रखे हैं और काफ़ी अच्छी प्लानिंग से इन्होंने फार्म को डेवलप किया है। दोस्तों, अगर आप भी गोट फार्म प्लानिंग कर रहे हो तो आपको एक बार इस फार्म पे ज़रूर विजिट करना चाहिए। उसका कारण ये है कि बहुत ही कम जगह पे इन्होंने काफ़ी अच्छा डेवलप किया है और फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से सारे पेड़ लगाए हैं और बकरे भी इनके काफ़ी हेल्दी है। तो आपको एक बार इस फार्म पे ज़रूर विजिट करना चाहिए। और एक वीडियो सरदार खान साहब का हमने इंटरव्यू लिया है, वो वीडियो बहुत जल्दी चैनल पर डलेगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि उसमें जितनी भी बातें उन्होंने बताई गई है और जितनी भी बातें इस फार्म को बनाने में कितना उनको समय लगा, कितना डेवलप करने में समय लगा, वो सारी चीज़ें उन्होंने हमारे चैनल पे शेयर करी है सारी बातें। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।